हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ पकोड़ा का रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। केरला स्टाइल उलीवड़ा या पैच के पकोड़े बहुत ही अमेजिंग बनते हैं, चाय के साथ और कोई भी स्टार्टर के लिए एकदम परफेक्ट। थोड़ा सा बनाने के तरीका अलग रहता है और फ्लेवर बहुत ही अमेजिंग। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अमेजिंग और सुपर टेस्टी रेसिपी। पकोड़ा या केरला स्टाइल उलीवड़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे चार बड़े प्याज लिए हैं। प्याज का छिलका उतार कर धो ले और पतले पतले टुकड़ा कर ले। इस पे हम डाल देंगे एक छोटा चम्मच नमक और उसके बाद इसे मिक्स करके 10 मिनट के लिए रख देंगे ताकि प्याज जो है नमक को एब्जॉर्ब करके सॉफ्ट हो जाए और प्याज से थोड़ा सा मॉइस्चर रिलीज हो जाए। नमक को एब्जर्व करके प्याज जो है मॉइस्चर रिलीज करेगा और थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। ये देखिए, अब हम इस पे स्वाद अनुसार करी पत्ता, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, आप जितना खा सकते हैं उतना ही डालें, एक छोटे चम्मच बारीक कटी हुई अदरक, एक बड़े चम्मच बारीक कटी हुई धनिया पत्ता डालें, एक छोटे चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटे चम्मच टर्मेरिक पाउडर डाल दें और इसके बाद हम इस पे डाल देंगे 2 बड़े चम्मच बेसन, 3 चम्मच मैदा और 1 चम्मच चावल का आटा डाल दें। इससे पकौड़े क्रिस्पी हो जाते हैं। इस पे स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और इसके बाद इन सबको अच्छी तरह मिला देंगे। इस बड़ा या पकौड़े बनाते समय पानी का प्रयोग ना करें। जो प्याज से मॉइस्चर रिलीज होता है ना, मतलब प्याज जो पानी छोड़ता है, उसी में ऐसे मिक्स करके हमें ये मिक्सर बना लेना है। ये देखिए, ऐसे हथेलियों पे ऐसे रोल करके देखे और पकोड़े आसानी से बन जाएंगे। अब चलते हैं इन्हें फ्राई करने के लिए। मैंने पैन में ऑयल पहले से गरम करके रखा था। गरम ऑयल में पकोड़े को ऐसे डाल देंगे जैसे हम बड़ा या पकोड़े फ्राई करते हैं, वैसे ही इसे फ्राई कर लेना है। पकोड़े को क्रिस्पी बनाने के लिए गैस का फ्लेम मीडियम हाई रखें। तो यहाँ पे इसे पलट देती हूँ मैं। अगर आप इसे मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो ये थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे। इसे हाई फ्लेम पे पलट के या घुमाते हुए फ्राई कर ले। जितना ज़्यादा ऑयल और फ्लेम होगी, पकोड़े उतना ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। जितना ज़्यादा फ्राई होगा उतना ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा। प्याज के ये लच्छे जितने पकेंगे उतना ही कुरकुरे होंगे। तो ये हमारा सुपर टेस्टी और क्रिस्पी उलीवड़ा या प्याज के पकौड़ा जो है बनकर तैयार है, वो भी केरला स्टाइल में। और अगर आप इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकालना चाहते हैं तो इसको पेपर तवल में निकाल लें। अब इसे हम इसे रेस्टोरेंट स्टाइल सर्व करेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया पत्ता रख दे। ये देखिए, लग रहा है ना सुपर क्रिस्पी एंड कुरकुरे। तो ये हमारा सुपर टेस्टी और क्रिस्पी उलीवड़ा अनियन बड़ा या प्याज के पकोड़े बनकर तैयार है। आप इसे चाय पे बनाएं, नाश्ते पे बनाएं या फिर बरसात के मौसम पे आप इस रेसिपी को इस तरीके से जरूर बनाएं। ये पकोड़े आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आज की रेसिपी ट्राई करने के बाद पसंद आए तो इस वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। आपके सजेशंस कमेंट में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी पकोड़ा की रेसिपी पसंद आई होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।